वैश्विक मंच पर आज हमारे देश का सम्मान शर्म से झुक गया। सोचिए, एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, टूरिज्म एक्सपेंशन की बात करते हैं कि क्या किया जाए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और वैश्विक पटल पर हमारी खूब ख्याति हो, वाहवाही हो। और दूसरी तरफ हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, सोचिए स्पेनिश का एक दंपत्ति जोड़ा, पति पत्नी मीन्स, वो निकलता है एशिया के टूर पे और एशिया के कुछ चुनिंदा देशों को एक्सप्लोर भी करता है, पर जैसे ही वो भारत में आता है, भारत के कुछ राज्यों में भ्रमण करता है, वहाँ की संस्कृतियाँ दिखाता है, बाकायदे वीडियो ब्लॉग वगैरह बनाता है और यहाँ की सभ्यताओं के बारे में, यहाँ के संस्कार के बारे में, और यहाँ तक कि कहता है कि भारतीय लोगों का जो नेचर है सहायता में, योगदान में, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्कृष्ट है। उसके बाद जैसे ही अन्य राज्यों से झारखंड के दुमका ज़िले में पहुँचता, उसके बाद वो टेंट उंट लगा के अपना विश्राम करता है, वहाँ साथ मनभर वहाँ के स्थानीय युवक उस महिला को जो ब्रूटली इंजर्ड किए हैं, पहले उसके जो है पति को जो है टेंट में मुंह में कपड़ा लगा के हाथ पैर बांध देते हैं, उसके बाद उस महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। ऐसे ही बनाओगे ना भारत जैसे देश को विकसित राष्ट्र, अब महसूस हो रहा है। और दुनिया के जो चुनिंदा देश हैं जहाँ पर भारत जैसे देश का प्रतिबिंब अलग बन रहा था, वो क्या सोचेंगे? ऐसे ही हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, आओ आओ फिर हम यहाँ गैंग रेप करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा कभी भी इस प्रकार की हरकत करने से लोगों की रूह कांप जाए।